तो दोस्तों, अगर आप Realme का डिवाइस यूज करते हैं और जब भी आप अपने डिवाइस को चार्जिंग से जो है कनेक्ट करते होंगे, तो आपने एक चीज जो है जरूर से एज्यूम किया होगा कि यहाँ पे आपका डिवाइस जो है जैसे ही चार्जर से कनेक्ट होता है, उसके थोड़ी ही देर बाद आपका डिवाइस जो है यहाँ पे पूरी तरीके से जो है यहाँ पे जब लॉक होता है तो आपके डिवाइस की जो है स्क्रीन जो है ऑफ हो जाती है, वो ऑलवेज ऑन नहीं रहती है। तो ऐसे में अगर जब भी आपको अपने डिवाइस के जो यहाँ पे बैटरी परसेंटेज को देखना होता है, तो वापस से आप जो है लॉक स्क्रीन पे यहाँ पे मतलब टैप करके जो है आप जो है अपने जो है यहाँ पे जो ऊपर बैटरी परसेंटेज है उसको आप चेकआउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक ऐसे फीचर के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ, ऐसे ट्रिक के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ, जब आप अपने डिवाइस को चार्जिंग पॉइंट से कनेक्ट करेंगे तो आपका डिवाइस ऑलवेज ऑन रहने वाला है। और ये प्रॉपर जब तक आपका डिवाइस चार्ज नहीं होगा तब तक ये जो फंक्शन है ये वर्क करेगा। जब तक आपका डिवाइस चार्जर से कनेक्ट रहेगा तब तक ये फीचर जो है वर्क करने वाला है। तो मे बी ये फीचर उस केस के लिए बढ़ गया है जब आप बार बार डिवाइस को पावर ऑफ या फिर ऑन करके जो है बार बार क्लिक नहीं करना चाहते, तो उस केस के लिए आपका डिवाइस में ये फीचर जो है काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं बात करने वाला हूं इसी फीचर के बारे में, कैसे आपको इनेबल करना है इस फीचर को। और अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप Realme का डिवाइस यूज करते हैं तो ऑलवेज ऑन चार्जिंग वाला फीचर जो है इनेबल करना चाहते हैं, तो काफी सिंपल ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने डिवाइस की सेटिंग पैनल में चले जाना है। सेटिंग पैनल में जाने के बाद आपको अबाउट डिवाइस में जाना है। अबाउट डिवाइस में जाने के बाद आपको वर्जन में चले जाना है। वर्जन में जाने के बाद आपको बिल्ड नंबर पर टैप करना है। यहां से आपको सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन को जो है इनेबल कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा तो आपको सिंपल बैक चले आना है। बैक आने के बाद आपको सिंपल यहां पे मिलता है एडिशनल सेटिंग का एक ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस एडिशनल सेटिंग के ऑप्शन में जो है सिंपली टैप करना है। एडिशनल सेटिंग के ऑप्शन में टैप करने के बाद यहां पे आपको मिल जाता है डेवलपर ऑप्शन, इस पे सिंपली टैप करना है। जैसे ही आप इस पे टैप करेंगे तो सिंपल आपको जो है यहां पे एक फीचर मिल जाता है, डू नॉट यूज लॉक स्क्रीन के नीचे एक फीचर मिलता है आपको, कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल चार्जिंग, ठीक है। यहां पे एक जो है ये फीचर मिलता है, तो आपको क्या करना है, ये फीचर आपको जो है यहां पे डिसेबल होगा, आपको सिंपल इसको इनेबल कर देना है। और जैसे यहां पे आप इसको इनेबल करेंगे तो जब आप अपने डिवाइस को चार्जर से जो कनेक्ट करेंगे, जब आपका डिवाइस चार्ज होना स्टार्ट होगा तब से लेकर जब तक चार्जर से कनेक्ट रहेगा तब तक आपका डिवाइस टर्न ऑन रहेगा, मतलब ऑलवेज ऑन रहेगा, वही ऑलवेज ऑन वाला फीचर रह सकता है, ठीक है। तो यहां पे ये फीचर काफी ज्यादा वर्क करने वाला है चार्जिंग के समय, जब आपका डिवाइस जो है अपने डिवाइस को आप चार्जिंग से कनेक्ट करे रहेंगे, ठीक है। तो ये फीचर काफी ज्यादा हेल्प करने वाला। आप देखिए क्या होता है, जब भी हम चार्जर से कनेक्ट करते हैं तो हमारी बैटरी परसेंटेज हमको बार बार देखने के लिए पावर वाला बटन को यहां पे प्रेस करना पड़ता है, ठीक है, बार बार चेक करने के लिए। तो अगर यहां पे अगर ऑलवेज ऑन वाला ये फीचर अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो इससे आपको एक जरूर से हेल्प मिल जाएगी कि आपको बार बार जो है पावर वाली बटन को प्रेस नहीं करना पड़ेगा। इजीली जो है आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं, मतलब ऐसे आके भी देख सकते हैं कि हाँ कितना परसेंट आपके डिवाइस में ये जो डिवाइस है आपका चार्ज हुआ है, ठीक है। तो ये फीचर है, तो इसको मैंने प्रोसेस बता दिया आपको किस तरीके से इनेबल करना है, यहाँ पे आके इनेबल कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको ये फीचर समझ में नहीं आता है और आपको लगता है कि हाँ थोड़ा इस फीचर को हमको यूज नहीं करना है, तो वापस से आप डेवलपर ऑप्शन में आके जो इस फीचर को जो यहां से आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और बाकी काफी अच्छा फीचर है जो कि आप इसको यूज कर सकते हैं अपने इस रियलमी फोन में। तो दोस्तों, होपली इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करवाई यहां पे ऑलवेज ऑन चार्जिंग को लेकर, वीडियो को आप कंप्लीट जो है आपने जरूर से देख लिया होगा, और होपली आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ जरूर से इन्फॉर्मेटिव यहां पे इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो दोस्तों, वीडियो को आप जरूर से शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच।